मैं अब्बास हुसैन। तो मैं क्या बोलूँ, नमस्कार, मेरा नाम वली रिजवी है। आज हम लोग एक पहला लाइफ का व्लॉग बनाने जा रहे हैं। कहाँ से? लखनऊ टू प्रयागराज, उसे इलाहाबाद भी कहते हैं। इलाहाबाद भी कहते हैं। बहुत अच्छी जगह थी टूरिज्म के लिए, बट बहुत जल्दी ये वाइप ऑफ हो रही है। तो हम लोग एक रिवाइव करने वाला टूर करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग रिवाइव करेंगे और जाएंगे संगम। लेट्स गो। हाय, हम लोग अपनी जर्नी लखनऊ से स्टार्ट करना जा रहे हैं और ये है हमारा भूमि गेट। इधर है हमारा बड़ा इमामबाड़ा। ये चिड़ियाँ उड़ रही हैं इधर, इनको भी कैप्चर करो। ये हमारा बड़े इमामबाड़े का गेट है। यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे प्रयागराज की। सो लेट्स गो। सामने एक गाड़ी जो जा रही है, ये हमारा भाई आसिफ, पीछे मनोज, जो कि हमारे साथ हर वक्त हर जगह मौजूद रहते हैं। काफी जोश में है। ये लखनऊ की गलियों की कुछ बात ही अलग है। अभी हम लोग लखनऊ के इंदिरा नगर एरिया में हैं और यहाँ से हमारा फैजाबाद हाईवे स्टार्ट होता है। थोड़ा सा दूर बस यहाँ से हम लोगों को सही फट मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम लोगों को सीधे रायबरेली रोड पकड़ना है, जिसको वो करके हम लोग इलाहाबाद जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है और थोड़ी सी ठंड पड़ गई है यहाँ पे। लखनऊ के आउटस्कर्ट से पहुँच गया हम लोग। बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ, अभी 11:30 हो रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से लखनऊ लीव कर चुके होंगे और जर्नी की तरफ बैठ करेंगे। हमारे दो साथी आगे गाड़ी पे जा रहे थे। आज जैसा कि मैंने देखा है कि हमारे फ्रेंड्स काफ़ी एक्साइटेड है पहले व्लॉग के लिए हम लोगों के, तो इस व्लॉग के बाद हम लोगों को जो है काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों को और एक्सप्लोर करना है। और जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रयागराज यहाँ से 200 किलोमीटर कैसे, बस काफ़ी अच्छा मौसम है अभी और वक्त हो रहा है कुछ
12:18 वक्त हो रहा है और 41 किलोमीटर हम लोग अभी ट्रैवल कर चुके हैं विद इन हाफ एन आवर। और अभी जर्नी तो काफ़ी लंबी है, तो बस नेक्स्ट स्टॉप हमारा रायबरेली है। काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है, 78 किलोमीटर विद इन वन आवर। और कम डिस्टेंस बचा है यहाँ से, अभी हो रहा है टाइम 12:49 हो रहा है थोड़ी सी दूर और यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा रायबरेली और उसके बाद फिर दिल्ली और प्रयागराज पूरी रीच है बाइक थ्री 12:50 रहेगा। 10 मिनट में अभी हम लोग रायबरेली के अंदर होंगे और उसके बाद 2 घंटे में हम लोग इलाहाबाद पहुँचेंगे। पहुँच गए एक जगह खाने के लिए, काशी कचौड़ी भंडार, यहाँ पर हम लोग खाएंगे। रायबरेली से 10 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, ये बहुत प्यारी सी रोड है, मैंने सोचा रुक करके आप लोग को दिखा देते हैं। सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, लोग बस अब निकलने वाले हैं प्रयागराज के लिए, रास्ते में हैं 130 किलोमीटर कम से कम बचा है अभी, हम लोग की गाड़ी 109 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत बढ़िया रास्ता है, बस ऐसी ड्रीम था कि एक रोड हो अच्छी सी, उसके अगल बगल जो है बढ़िया बढ़िया पेड़ हो, अपना भी इधर घर हो, ऐसे ही फार्म हाउस। मैं तुम आगे कहाँ जा रहे हो यार, काफ़ी अच्छी रोड है प्रयागराज। कभी कभी लोग जो हैं बेवकूफ़ी करते हैं और बीच में आ जाते हैं। ऐसा रास्ता हो तो रास्ते ही प्यारे लगने लगते हैं। और यहाँ पे मिला हम लोग को बहुत भयंकर जाम, ये देखिए हमारे डोर जो फंसे हुए हैं यहाँ पे, हर जगह पूरा बहुत जाम है भैया। अब कुछ काटे प्रयागराज, बहुत ज़्यादा जाना।
जो कि चल चुकी है 139.2 किलोमीटर। एक ढाबे पे रुके हैं हम लोग प्रयागराज के रास्ते पे, यहाँ पे थोड़ा खाना पीना खाने के लिए। अरे उसमें गिम्बल है भाई देख के। ये रास्ता जाता हुआ प्रयागराज इलाहाबाद व्हाटएवर वी कॉल। ये मनोज भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे थके आ रहे अपनी गाड़ियाँ। अब हम लोग निकलने जा रहे हैं, ढाबे पे रुके थे हम लोग, यहाँ पे बहुत अच्छा से चाय मिली और हम लोग रिफ्रेशमेंट लेकर के हम लोग इस ढाबे से निकलने वाले हैं। जाम भी लगा हुआ था इस रोडों पे, कभी कभी ख़राब भी हो रही है रोड और अच्छा भी हो रहा है। ये देखिए हम लोग छोटे से घर पे हैं, हम लोग इंटर हो चुके हैं इलाहाबाद में जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं यहाँ की रोड कैसी मिलेंगी और क्या क्या हम लोग को चुनौतियाँ मिलेंगी। हम लोग अपना कैसे घूमते हुए जा रहे हैं संगम की तरफ, आइए हम लोगों के साथ चलते हैं। सो वी हैव अराइव्ड टू संगम। अभी आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया और बहुत अंधेरा हो गया है। मैं अपनी आंखों से लाइव नहीं देख रहा तो आपको देखना बहुत टायरिंग जर्नी थी, पर हम लोग यहाँ पर आकर के थोड़ा रेस्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे क्या क्या मिलता है यहाँ पे और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पूजा कर रहे हैं जो कि देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सैफ भाई दिया जलाते हुए मनोज भाई के साथ बहुत अच्छे कर्म है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, दिस इज संगम एंड दिस इज आवर गंगा। दीज आर आवर बाइक्स। वी हैव कम फ्रॉम लखनऊ दिस पार टू सी दिस ब्यूटीफुल प्लेस, बट इट कांट बी सीन फ्रॉम दिस कैमरा because it's very dark here. See, people are enjoying here and offering puja here. Ab hum log jane wale hain church, bas thodi hi der mein pahunchne wale hain yahan se. Manoj, bahut hi famous church hai yahan pe Prayagraj ka Allahabad ka, aur hum log bas 3 किलोमीटर दूर है चर्च पहुँचने से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं चर्च प्रयागराज का। ये प्रयागराज का चर्च है, सेंट पीटर्स चर्च है, ऑल चर्च है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा सा लेट हो गया है इसलिए आपको एंट्री नहीं मिल रही है, बट सुबह अगर आप आइएगा तो यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दरियाबाग की दरगाह पे ये देखिए, ये है मज़ार प्रयागराज में। अब निकलने वाले हैं यहाँ से लखनऊ के लिए।